वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई डॉक्टर विनीत कुमार। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट क्लास 11 बायोलॉजी टॉपिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। व्हाट इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस? बायोलॉजी में किसी भी वर्ड के लास्ट में ITS लगा रहे हैं, उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस दैट इज इन्फ्लामेशन इन ग्लोमेरुलस। ये क्यों हो जाता है? तो ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाने के चलते होता है। और इसमें क्या क्या सिम्टम्स होता है? तो इन्फ्लामेशन इन ग्लोमेरुलस में इन्फ्लामेशन हो जाता है, रिजल्टिंग इन लीकेज ऑफ ब्लड एंड प्रोटीन फ्रॉम द ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस से ब्लड और प्रोटीन का लीकेज होने लगता है और इसके चलते क्या होता है, यूरिन में ब्लड आने लगता है। यूरिन में ब्लड प्लस ये प्रोटीन आने लगता है। तो ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में दैट इज कॉल्ड ये हिमेचूरिया का अर्थ होता है यूरिन में ब्लड का आना, प्रोटीन का आना। और ये तो इसके लिए क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे? तो अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ एब्डोमेन, इसको ये डायग्नोसिस करने के लिए एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड किया जाता है, यूरिन का रूटीन एग्जामिनेशन किया जाता है, उसे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है कि इसमें ब्लड है प्रोटीन है कि नहीं। नाउ व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस? तो इसमें क्या करते हैं, एंटीबायोटिक ड्रग्स दिया जाता है और पर्सनल हाइजीन क्लीनलीनेस को मेंटेन किया जाता है।